नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। इंडियन रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर इंदौर रेलवे स्टेशन पर लगेज स्कैनर मशीन लगाई है। आरपीएफ पुलिस इस मशीन के माध्यम से यात्रियों के सामान की जांच करेगी। इस मशीन से आरपीएफ पुलिस को संदिग्ध सामान का भी पता चल जाएगा। इस बारे में रेलवे जनसंपर्क अधिकारी जितेंद्र कुमार जयंत का कहना है कि अब यात्रियों को सामान स्कैन करने के बाद ही स्टेशन पर प्रवेश दिया जाएगा। पश्चिम रेलवे के इंदौर स्टेशन पर यात्री सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगेज स्कैनिंग मशीन लगाई गई है, जिसके तहत कोई भी यात्री यात्रा करता है तो उसको पहले उस मशीन से अपना सामान को स्कैन कराना पड़ेगा। इसके बाद में वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर एंटर कर पाएगा। इसका दो मकसद है, एक तो कोरोना की वजह से भी जो हम लोग एहतियात बरत रहे हैं उसके तहत उसका थर्मल स्कैनिंग चल रहा है यात्रियों का, और सोशल डिस्टेंसिंग को भी ख्याल रखा जा रहा है, और साथ में ये सामान की स्कैनिंग हो जाएगी। तो जो भी यात्री यात्रा करेगा तो उसके पास कोई संदिग्ध सामान नहीं होगा और यात्रा अच्छे से कर पाएगा, और साथ में दूसरों के लिए भी सुरक्षा होगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने ये निर्णय लिया है, और इसके लिए आरपीएफ स्टाफ द्वारा उस मशीन को हैंडल किया जाएगा और उस मशीन के जो भी सामान होगा उनके द्वारा उसको देखा जाएगा। अगर कहीं संदिग्ध दिखता है तो उसको सामान को खुलवा के देखा भी जा सकता है। जितेंद्र कुमार जयंत, वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी, पश्चिम रेलवे, इंदौर।